मैं नीतू सिंह मलिक ऑस्ट्रेलिया से। अंतर्राष्ट्रीय आदर्श शिक्षा संस्थान पर सभी का स्वागत है। दोबारा से कनेक्ट होते हैं, प्लीज़ शेयर रुकने नहीं चाहिए। सारे व्यूवर्स जो भी थे वॉच कर रहे थे वीडियो, प्लीज़ दोबारा इस वीडियो पे कनेक्ट हो जाएं। और वो डिसकनेक्ट हो गई अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट की वजह से। और ये वंशी संजीव समीर जी को ऐड करती हूँ, उनको कनेक्ट करते हैं, उनके विचार लेते हैं। ये बिहार से हैं और बहुत अच्छे समाज से भी हैं, अध्यापक हैं, तो अपने विचार रखेंगे नशे के ऊपर। ओब्वियसली देश का फ्यूचर बनाते हैं। वॉरियर से संजीव समीर जी, नमस्कार जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज मुझे बिहार के सबसे जो हमें प्रस्तुत करना है, कई बार इसके पहले भी प्रोग्राम में हमें आना था, लेकिन हम किस कारण से नहीं आ सके। प्रोग्राम में किसी कारण से डिस्टरबेंस हुआ, इस वजह से हम नहीं आ सके। आज मौका मिला, सोडन सर का आदेश हुआ है। सोडन सर बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। आदर्श शिक्षा संस्कार, इनका जो ये टैगलाइन ही है, आदर्श शिक्षा संस्कार, यानी कि जो शिक्षा है उसी से संस्कार मिलेगा, और वो जब संस्कार मिलेगा तो आदर्श अपने आप ही फल फूल जाएगा, हर एक जगह आदर्श ही आदर्श नजर आए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब आते हैं हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में। मैम आपको बता दे कि बिहार में कहने को तो शराबबंदी है, शराबबंदी सरकार की तरफ से भी कर दी गई, पिछले साल ही की गई थी शराबबंदी, और बहुत जोर शोर से सरकार के तरफ से यह बंद किया गया और इस पर कानून भी बनाया गया। किसी भी तरह का कोई नशा करता है तो उसे जेल की भी सजा खानी पड़ सकती है। मगर दुख के साथ कहना पड़ता है, अनऑथराइज रूप से शराब का जो खेप है, जो दूसरे स्टेट में जहाँ शराब बनते हैं वहां से आते ही हैं, और ये अलग बात है कि सार्वजनिक रूप से लोग अब दुकानों में नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन होम डिलीवरी के रूप में उनके घर पर परोसा जा रहा है। जो पीने वाले लोग हैं मोबाइल से कंटेक्ट करके अपना मंगा लेते हैं, सारे जो भी उनका सुविधा का सामान है, शराब है, वो मंगा लेते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपको बता दें मैम कि गुटका जो है, आप जिस तरह का होता है ये सब पान मसाला, सब बंदी के लिए कर दिया गया है। लेकिन जो चीज आज पहले 5 रुपए में मिलता था, आज वो 7 रुपए में मिल रहा है, वो ब्लैक में मिल रहा है, मतलब मिल रहा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिल रहा है, खुले दुकानों में नहीं मिल रहा है, लेकिन उसे छुपा कर कहीं बेचा जा रहा है। तो पूर्ण रूप से जो बंदी होनी चाहिए सरकार के स्तर से, वह नहीं, कहीं ना कहीं सरकार इसमें फेलियर साबित हो रही है। इसीलिए हम लोगों ने देखा है कई बार जी, इसीलिए अंतरराष्ट्रीय आदर्श मोदी छेड़ी है, जहाँ पे गवर्नमेंट प्रॉपर नहीं कर पा रहा, हम लोग घर घर संदेश पहुँचाएंगे और मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और बचाव करेंगे समाज। जी जी बिल्कुल जी, इसमें सभी लोगों को बढ़ चढ़ के आना होगा। हम एक शिक्षक हैं और हम भी एक शिक्षक के नाते ये कहना चाहते हैं, जब तक हम बच्चों में वो संस्कार, वो प्यार, वो मोहब्बत नहीं डालेंगे जो उसका वो हकदार है, असली नशा जो है हम लोग प्यार मोहब्बत अगर हम लोग उसको देने में कामयाब होते हैं, अगर उस नशे में वह मशगूल हो जाता है तो अन्य नशा को वह नहीं कर पाएगा। लेकिन हम सभी अपने घर में भी, अपने गार्जियन के रूप में भी, हम लोग समय बच्चों को कम दे पाते हैं, जिस वजह से बच्चे किसी न किसी नशे का शिकार हो जाते हैं, जो गलत है जी। लेकिन जी, अभी जी, बहुत सारे साथियों ने कहा कि घर से ही शुरुआत होती है, बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल, जो भी गलत हाँ जी, लेकिन घर में तो कम, लेकिन हम हमारे समझ से, मैं भी देखता हूँ समाज को देख करके लोग सीखते हैं, वो देखते हैं कि वो बच्चा फलाना जो है सिगरेट पी रहा है, तो हम भी इस तरह से किए और अपने आप को शो करें कि हम बहुत एडिकेट, बहुत बड़े आदमी हैं, इस तरह से वो देख देख करके सीख जाता है। घर में देखते हैं, घर में कोई नहीं भी पी रहे हैं तो भी देख कर सीख जा रहा है, स्कूल में सीख जाते हैं, कॉलेज में सीख जाते हैं, तो ये भी डिपेंड करता है कि कैसा वातावरण हम आगे ले रहे हैं, कैसी कंपनी हम ले रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इन्हीं सब बातों के पीछे मैं ये कहना चाहता हूँ कि शराबबंदी हो या नशा, इसमें नशे में तो सब चीज आ जाते हैं, वो चरस, गांजा, अफीम, सभी चीज आते हैं बिल्कुल, लेकिन बिहार में चरस गांजे को भी बैन किया गया है,
लेकिन अभी हम देखते हैं बच्चे जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं एक अलग किस्म के नशा का शिकार होते जा रहे हैं। जो आप देखते हैं व्हाइटनर होता है, व्हाइटनर में जो एक लिक्विड इस्तेमाल किया जाता है जो गाढ़ा जो होता है उसको पत्ता करने के लिए, उसको मैंने देखते हैं कि बच्चे खरीद करके ले जाते हैं, उसको रुमाल में डाल करके चुभते हैं और उससे कई तरह की बीमारियां, जो सांस की बीमारी है या हार्ट की बीमारी है या जो फेफड़े की बीमारी है उससे ग्रसित हो जा रहे हैं बच्चे। पढ़ने उड़ने से उसका बिल्कुल ही ये छूट जा रहा है, उनसे दूरी हो जा रही है। तो हम लोग चाहेंगे कि कोशिश ये करना है, हम हर एक बात ये कहते हैं शुरुआत अपने से करनी होगी। अगर अपने आसपास में अपने घर में अगर इस तरीके का कोई नशा है तो उसे हम खत्म करें। और मेरा प्रयास होता है, मैं जितने भी साथी गुटखा पिया हमारे साथी कोई खाते हैं मैं अक्सर उन्हें मना करता हूँ, कई को छुड़ाने में हम कामयाब भी रहे हैं और छोड़ भी दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन होता बिल्कुल बिल्कुल होता क्या है कि फिर वो जिस संस्कार और क्षेत्र में रहते हैं, जिन दोस्तों के बीच रहते हैं, अगर हम एक समझाने वाले हैं पांच उनको बिगाड़ने वाले हैं तो वहां पर वो फिर गलत करने पर उतारू हो जाते हैं, फिर वो गलत करने लग जाते हैं। जी लेकिन जी हम लोगों का काम है प्रयास करते रहना लगातार अपने आसपास के परिप्रेक्ष्य में। हम सभी समाज को तो नहीं ये सुधार सकते हैं लेकिन आसपास के परिप्रेक्ष्य को सुधारने में हम लोग कामयाबी हासिल करें, देखो ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी। फॉर एग्जाम्पल हम एक फॉर एग्जाम्पल फैशन चला दिया, फटी पैंट पहनी है तो एक ही जना करता है काम, सारे उसको फॉलो करने लग जाए तो अच्छे काम की शुरुआत भी एक ही करता है, धीरे धीरे सारा यूथ फॉलो करने लग जी जी जाएगा। जी जी बिल्कुल 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 एक चैन की तरह अगर हम लोग चाहें तो काम कर सकते हैं। अगर हम एक सुधारे और वो एक और को सुधारे तो एक चैन के रूप में बाइनरी सिस्टम के माध्यम से सुधार हो सकता है, सुधार किया जा सकता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। दूसरी बात मैम, हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में चूंकि मामला को हम रखना है, हमारे बोले सदन से का आदेश है कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में एक और सबसे चौंकाने वाली बात हम लोग के सामने आती है मैम। अगर जैसे कहीं से बाहर से इंपोर्ट होता है शराब जी, तो क्या किया जाता है कि 10 ट्रक मान लीजिए शराब आया, तो 10 ट्रक शराब आया तो 10 में से 2 को पुलिस पकड़ लेती है, शो कर दिया कि ये हम लोगों ने पकड़ा, हमने जब्त किया, लेकिन 8 को वो छोड़ देती है, किस रूप में छोड़ती है पता नहीं और कैसे छोड़ती है, ये कैसे ऑर्गेनाइज तरीके से एंट्री हो जा रहा है बाहर से, ये समझने का फिर है। और तो और जो हास्यास्पद वाली बात आप लोग पेपर में भी हम लोगों ने देखा था कि जब वो जब्त किया गया शराब जो मान लीजिए 2 पेटी जब्त किया गया और जब कुछ दिन के बाद उसका रिपोर्ट लिया गया तो पता चला कि वो पुलिस महकमा और जो उसके अवकारी के जो डिपार्टमेंट के जो अफसर हैं वो बोले कि ये चूहा पी गया शराब। पता है क्या चूहा पी जाएगा, जहाँ हम जब्त करके रख लिए क्या वो चूहा शराब पी जाएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं पुलिस महकमा भी इसमें शामिल है और वो अपने दायरे से अपने हिस्से से वो बेचती है, उसको बेच करके अपना पैसा कमाने का काम करती है। वही दूसरी बात अगर बिल्कुल एक एक व्यक्ति जी दूसरी बात की अगर शराब पीने वाले वो आप डाल देते हैं जेल में, लेकिन शराब बेचने वाले को मैंने देखा है, कई ऐसे लोग हैं जिनको मैंने देखा है कि जब वो पकड़ा जाते हैं पुलिस के नजर में तो उनके जो दलाल किस्म के लोग होते हैं वो बिचौलिया जो होते हैं वो क्या करते हैं उनको 20-25 या 50 हजार रुपया दे करके वो छूट जाते हैं इसे, और फिर वह उसका मन और बढ़ जाता है और जानता है कि पुलिस को मैंने 50 हजार में खरीद लिया तो आगे से फिर और काम करते हैं और तेजी से काम करते हैं, आगे फिर पकड़ाएंगे। अगर 2 लाख 4 लाख कमा लिए और उसमें से 50 अगर देना पड़ गया तो कोई उसको ज्यादा नहीं लगता है और इस तरीके से उसका मन बढ़ता जाता है। और शराब जो है युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जी, युवा साथियों को हमारे क्या संदेश देना चाहेंगे आप के लिए? बिल्कुल बिल्कुल संदेश देना चाहेंगे हम नशा, प्रमिला खोखर जी का बहुत अच्छा एक संदेश लगा था, नशा करना है तो शराब जुआ, जुआ भी एक नशा है, जुआ और पान पुड़िया और इस चारा चरस गांजा अफीम का नशा न करके हम कुछ ऐसे सृजनात्मक कार्य का नशा करें। जैसे हम पर्यावरण पर काम हम लोग करते हैं, पर्यावरण पर कार्य करते हैं, समाज सेवा का कार्य कीजिए, आपका समय जब ज्यादा से ज्यादा समय किसी सामाजिक कार्य में लग जाता है तो
ऑटोमेटिक आपका समय बचता नहीं है कि आप दूसरा नशा में मशगूल होइए। तो नशा कुछ इस तरह का किया जाए जिससे समाज का विकास हो, समाज में सृजनात्मक आए, कुछ बढ़ोतरी हो। हम लोग का प्रयास होता है कि समाज के लिए कुछ दें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि अगर जिन युवक में अगर लगता है कि हमको नशा चाहिए तो लिखने का नशा कर सकते हैं, पढ़ने का नशा कर सकते हैं, किसी चीज की सामाजिक कार्यों की नशा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यही बिल्कुल, मेरा संदेश है। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा संदेश दिया। और आप जैसे युवा साथी सब मिलके मुहिम हमने छेड़ी है तो जरूर कामयाब और एक होंगे कामयाब, तो जरूर होंगे, कोशिश करने वालों की हार नहीं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतने बड़े मंच पर, इतने बड़े मंच पर मुझे शामिल करने के लिए। चुकिया इंटरनेशनल लेवल का मंच है और इस पर शामिल करने के लिए सुदन सर को, मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक आभार कि इस मंच पर मुझे बोलने का मौका दिया गया। धन्यवाद। ये बहुत ही अच्छे सुंदर विचार रखे संजीव समीर जी ने, जो बिहार से अध्यापक हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, सोशल वर्क भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो शेयर रुकने नहीं चाहिए और जरूर आप सब शेयर किए।